फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश इंडियन मॉम अनु। और वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दूं। और हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। दुर्गा पूजा भी चल रही है, तो आप सबको ढेर सारी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। और बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं, बहुत हर जगह बहुत धूम है, बट हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई भी फेस्टिवल पता नहीं चलता है। इवन मुंबई में रह के यहाँ पे गणपति जी भी आते हैं ना, तो बहुत शांति रहती है। मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया है यहाँ पे, बिल्कुल शांति से लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है। तो सॉरी, इधर तो पता नहीं चलता है, बट आई होप आपके आसपास गरबा और दुर्गा पूजा की खूब धूम होगी। और बस यही सब चल रहा है। आपको घर पे थोड़ी शांति भी दिख रही होगी, वीकेंड है, बट आज क्या होता है, मौलिक के कराटे की क्लासेस रहती हैं, तो उसके पापा उसको लेके गए हैं कराटे क्लासेस, 1 आवर की रहती है, तो वो वहीं पर रुकते हैं और उसको लेकर आते हैं। और ये सब चीज़ें रह के ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट पे मैंने सिंपल सैंडविच बनाया था आलू का, और उसके बाद अभी लंच में मैं साउथ इंडियन बनाऊंगी, मतलब डोसा बनाऊंगी, तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, और वो मैं आप लोगों को भी शो करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और एक काम जो आज मुझे इम्पोर्टेंट करना है, वो है करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो मुझे कपड़े स्टिच करने के लिए डालने हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ना कोई भी अच्छा टेलर के बारे में नहीं पता है, मतलब सीरियसली मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पे कभी स्टिच नहीं करवाया, तो मुझे आइडिया भी नहीं है। तो जो सबसे बड़ा टास्क होगा वो होगा मुझे टेलर ढूंढने का। उसके बाद मुझे मेरे पास कुछ सूट्स और साड़ी पड़ी हुई है जो मैं करवा चौथ और दिवाली के टाइम पहनने का सोच रही हूँ, तो उसको मुझे अभी से स्टिच के लिए डालना होगा, तब वो मुझे टाइम पे मिल पाएगा। और कुछ ऑल्टरेशन रहेगा तो वो सब भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज करनी है। तो चलिए पहले तो बना लेते हैं अपना लंच, जो डोसा है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और वो लोग आएंगे, अभी 11:30 हो रहा है, 12:30 के अराउंड वो लोग आ जाएंगे, तो उससे पहले मैं अपना लंच प्रिपेयर कर लूँ। जब वो लोग आएंगे तो गरम गरम डोसा बस सेक के देने का काम रहेगा। और शाम को मैं जाऊँगी तो मैं आपको अपना जो भी स्टफ़ है जो मुझे टेलर के लिए देना है उसको स्टिच के लिए, वो मैं सब आप लोग को दिखाऊँगी, उसी टाइम दिखा दूँगी, क्योंकि अभी फिर मुझे सब निकालना पड़ेगा, तो उस टाइम मैं सब दिखा दूँगी आप लोग को। और आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो ये दुर्गा पूजा का त्यौहार है वो कैसे जा रहा है, गरबा कर रहे हैं, और अगर आप लोग गरबा कर रहे हैं तो एक प्यारी सी फोटो क्लिक करके प्लीज़ मुझे मेल ज़रूर करिएगा कि किस तरीके से आपका गरबा, आपका डांडी, आपका जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है वो जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, और टाइम वेस्ट ना करके सबसे पहले लंच प्रिपेयर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं डोसा कैसे बनाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं डोसा बनाऊंगी, तो डोसे के लिए सबसे पहले उसके लिए चटनी बना लूंगी नारियल की, मूंगफली डालकर। तो ये जो नारियल है, जो हम नॉर्मल नारियल फोड़ते हैं, उसी को मैंने कट करके थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था, जिससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उसे ग्राइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसे मैं ग्राइंडर में डाल दूँगी। और इधर मैंने कुछ पीनट्स है जिसको मैंने थोड़ा हल्का रोस्ट करके रख लिया है, ये थोड़े से पीनट्स डालेंगे कोकोनट के कंपैरिजन में। और ये थोड़ी सी चने दाल है जो मैं चटनी में ऐड करूँगी और बगाने के काम आएगी। तो चलिए सबसे पहले नारियल पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी चटनी रेडी हो गई है। एक चीज़ इसमें बचा है जो कि ऑप्शनल है, वो है दही। मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच दही डालूँगी, जो हमारी चटनी को बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर भी देगा। और यहाँ पर हमारी जो चटनी है डोसे वाली, वो बिल्कुल बनके रेडी है। फ्रेंड्स, ये डोसे का जो स्टफिंग है आलू, वो भी मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया था, मॉर्निंग में ही प्रिपेयर कर लिया था, और इसी से मैंने सैंडविच बनाया था।
सो ये है हमारा डोसे का फर्मेंट बैटर और इसको मैंने रात में ही पीस के रख लिया था। दाल और चावल भिगोए थे और उसको मैंने पीस के रख लिया था और मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा ये फर्मेंटेड हो गया है। हालांकि अगर डोसे में ज़्यादा फर्मेंट नहीं भी हुआ है बैटर तो भी हमारा डोसा जो बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा बनता है, पर ये अभी डोसे के हिसाब से थोड़ा सा थिक है तो उसमें मैं पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सो देखिए अब ये जो डोसे की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल प्रॉपर हो गई है और इससे अब हम बनाएंगे डोसा। उसके लिए हमने चढ़ा दिया है गैस पर नॉनस्टिक तवा और इसे थोड़ा सा हीट होने देंगे। सो अब हम इसमें डालेंगे अपना बैटर डोसा बनाने के लिए। फ्रेंड्स मेरा जो फर्स्ट डोसा रहता है वो हमेशा बिगड़ता है, इसलिए मैंने पहला वाला ट्राई कर चुका है और आपको दिख रहा होगा तवे पे कहीं कहीं कुछ लगा भी है। ये मेरा दूसरा डोसा है और ये अच्छा निकलेगा ये फॉर श्योर है, बट जो पहला डोसा होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो अब मैं ये डोसा है इसको हल्के हाथों से इस तरीके से पूरे तवे पर फैला दूँगी। आप बैटर जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा आपका जो डोसा है वो बिल्कुल फैला हुआ बनेगा और इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल मैं स्प्रेड कर दूंगी और इसे पकने दूंगी एक साइड से। सो देखिए कुछ देर बाद जब ये डोसा पूरा पक जाता है तो अपने आप ही तवे को छोड़ देता है, हमें अलग से स्क्रैच नहीं करना पड़ता है और ये देखिए क्रिस्पी बिल्कुल हो गया, पेपर जैसा दिख रहा है। और इसको मैं टर्न करूँगी एक साइड, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए मुझे उसको बनाना है और उसके बाद फिर इसको टर्न करके सीधे प्लेट पर सर्व करना है। सो फ्रेंड्स अब है नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। लंच में मैं बना रही हूँ काले चने की सब्ज़ी, इसे पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ और मैं आपसे बात करूँगी थोड़ी देर में। पहले बना लेते हैं लंच। काले चने की सब्ज़ी यहाँ पे बनके रेडी हो गई है। मैं डालूँगी इसमें एक इंग्रेडिएंट जो है चावल को मैंने भिगो लिया था और उसे पीस लिया है और इसको मैंने ऐड किया है। इससे जो टेस्ट है उसमें भी बहुत अच्छा फ़र्क आता है और साथ ही साथ जो हमारी ग्रेवी है चने की वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और जो चना है वो चावल से कोटेड हो जाता है तो थोड़ा सा मसालेदार लगता है। सो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और साइड में मैंने रखे हैं चावल जीरा राइस बनाने के लिए। तो हम लोग सब्ज़ी चावल का जो लंच करेंगे और चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट लंच करने के बाद, फिर हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स लंच इज़ डन और अब बारी है डिज़र्ट की। तो ये है बिल्कुल चिल्ड बिल्कुल ठंडी खीर और हम लोग वीकेंड पे ही ज़्यादातर मीठा बनाते हैं और खाते हैं, तो चलिए इन्जॉय करते हैं डिज़र्ट और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक और आज है संडे और मैंने जो लास्ट व्लॉगिंग करी थी वो आई थिंक कल करी थी और कल मैंने आप लोग को डोसा दिखाया था कि लंच में हम लोग ने कल डोसा खाया, तो वो कुछ क्लिप्स मैंने आप लोग के साथ शेयर करी थी और मैंने ये भी बोला था कि कल शाम को हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट काम, मतलब मेरे को कपड़े स्टिच करने के लिए डाले जाना है तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम कल नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोग आ गए थे शाम को तो वो काम पोस्टपोन हो गया था आज के लिए। तो आज है संडे और मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया हमारा लंच रूटीन, चने बनाए थे वो आप लोग के साथ शेयर किया, सिंपल सा लंच था। और अभी बज रहे हैं 5:15 साढ़े पाँच
को हम लोग निकलेंगे और रेडी हो चुके हैं। मैंने बोला रेडी हो जाते फिर आप लोग से बात करते हैं। तो आज मैं जाऊंगी कपड़े स्टिच के लिए और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से कपड़े स्टिच के लिए देने वाली हूँ। मतलब मैं कुछ इसमें से एक आध चीज़ें ही खरीदी होगी, बाकी मुझे गिफ्ट किए हुए ड्रेसेस है जो कि बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही सुंदर है और इसलिए मैंने उसको बचा के रखी थी कि इसको मैं स्टिच करवाऊंगी फेस्टिवल के लिए और वो फेस्टिवल के लायक ही है। फेस्टिवल वेडिंग्स वगैरह में आप उसे आसानी से पहन सकते हैं। तो चलिए मैं सो फ्रेंड्स, कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो शायद मैं अभी ना बनवाऊँ, मतलब सूट मैं सोच रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग दिवाली पे प्लान कर रहे हैं घर जाने का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पर अपने टेलर से ही बनवाऊँगी क्योंकि मुझे वहाँ पे मालूम है कौन अच्छा सिलता है, वो कैसे सिलेंगे और उनको भी मेरे टेस्ट के बारे में पता है। तो अभी मैं जो दूंगी वो करवा चौथ और दिवाली की ड्रेसेस दूंगी सिलने के लिए, बाकी जो बची हुई ड्रेसेस रहेंगी उससे मैं रख लूँगी, तो उसे मैं जब जबलपुर जाऊँगी तब उसको स्टिच के लिए डालूंगी। तो ऐसा प्लान है। तो चलिए फटाफट मैं दिखा देती हूँ अपनी ड्रेसेस और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये फेस्टिवल्स की सारी ड्रेसेस कैसी लगी हैं। और मैं इसका प्राइस और डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैंने परचेस नहीं किया है, बट आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है, सो ये है पहली जो साड़ी ब्लाउज, ये मैं आपको पहले अपने वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ, तो इसका ब्लाउज स्टिच के लिए। सो दूसरा है ये सूट जिसपे बहुत ही प्यारा ये कढ़ाई वर्क है और बहुत ही अच्छा चटक कलर है पिंक का, जिसको आप फेस्टिवल और वेडिंग्स वगैरह में पहन सकते हैं। सो ये सूट का ड्रेस मटेरियल है जिसको स्टिच करवाना है। ऑरेंज कलर का इसका सलवार है और इन दोनों जो ये आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का जिसमें काफ़ी वर्क हो रखा है, इसमें और भी ज़्यादा हैवी वर्क है, कुंदन वगैरह लगे, मोती वगैरह लगे हुए हैं। तो ये दो सूट्स हैं जो काफ़ी हैवी है, वेडिंग्स और फेस्टिवल के लायक है, तो इन्हें मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे जबलपुर में स्टिच कराऊंगी और इनके जो दुपट्टे हैं वो काफ़ी सुंदर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। नेक्स्ट जो है वो है ये साड़ी और ये साड़ी के साथ का ब्लाउज़ है और ये कलर मेरा फेवरेट है, मुझे ये कलर बहुत पसंद है और इसका जो ब्लाउज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोटे कपड़े में है। और ये साड़ी है, साड़ी बहुत सिंपल है, जिस जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ब्लाउज़ जैसा मैच करता है। तो इसका जो मुझे है ब्लाउज़ सिलवाना, तो ये साड़ी और जो मैंने आपको पहले दिखाई है वो मैं अभी डालने जा रही हूँ, बाकी सूट्स वगैरह वो मैं घर पे जाऊँगी तब मैं सिलवाऊँगी। तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस मटेरियल कैसे लगे। सो हम लोग घर पहुंच गए हैं और मैंने चाय रख दी बनने के लिए क्योंकि हम लोग चाय नहीं पी के गए थे, तो चाय बनने के लिए रख दी है। और मैं आपको बताऊँ बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहा हमारा जाना, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे यहाँ पे टेलर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कौन अच्छा सिलता है। और अभी भी मैं जिस शॉप में गई जहाँ मैंने पता किया उन लोग का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब जिस कपड़े में मतलब नहीं लगना था लाइनिंग उन्होंने बोला उसमें लाइनिंग लगेगा, उसमें अस्तर लगेगा और रेट्स इतने ज़्यादा हाई थे कि मुझे लग रहा था जितनी की साड़ी है उतने का शायद ब्लाउज भी पड़ जाएगा स्टिच होके। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने भी पहले सिलवाए हैं ब्लाउज, मुझे भी थोड़ा सा है आइडिया कि कैसे होता है क्या होता है, बट थोड़ी उनकी बातचीत नहीं समझ में आई और ठीक भी नहीं लगा। ऊपर से जो उनका था कि हम कब तक सिलने को देंगे, तो वो काफ़ी लेट कर रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट जब मैं हमारा तो उन्होंने इतना लेट देने के लिए बोला, ऑलमोस्ट जब मैं घर जाऊंगी उस टाइम एक दिन पहले वो देंगे तो मैं कब चेक करूंगी और उसमें अगर कुछ ऑल्टरेशन हुआ तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए फिर मुझे लगा कि नहीं देना चाहिए, तो मेरा वो काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी मुझे जस्ट एक आइडिया आया है कि क्यों ना हम ऑनलाइन जो हमारे फुली स्टिच्ड ब्लाउज रहते हैं उसको मैं ऑर्डर करती हूँ गोल्डन पैटर्न में, क्योंकि मेरे जो भी दोनों साड़ियाँ हैं उसमें गोल्डन है, तो अगर मुझे वो ईजिली ऑनलाइन मिल जाता है क्योंकि मुंबई में डिलीवरी 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में हो जाती है, तो मैं पहले वो एक बार ट्राई करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टिचिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड इवन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे कोई ढंग का टेलर भी मिलेगा, तो ये दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं सेफर साइड पे चलकर एक रेडीमेड गोल्डन कलर का या गोल्डन में कुछ लाइनिंग पाइपिंग अगर होगी पिंक कलर ब्लू कलर की, तो ऐसा कुछ ब्लाउज ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली हूँ, तो वो आ जाएगा तो मेरे साड़ी पहनने के लिए सेफ साइड रहेगा, वो सिलता है नहीं सिलता है फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो मेरा वर्थ रहा मार्केट जाना वो ये कि मैं बहुत दिनों से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत पैशन चला है, तो मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ढूंढ रही थी तो फाइनली मुझे मार्केट में मिल गई। पहले मैं इसको भी ऑनलाइन मंगाने वाली थी बट मुझे मैं इसलिए इसको इस तरीके से ले आई थी
मैंने बोला और भी हैं, तो मैं वो सारे एक अलग सा वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के स्ट्रेस के साथ और किस तरीके से इसे कैरी कर सकते हैं। तो इसका एक सेपरेट वीडियो जाएगा, अभी मैं नहीं दिखाऊंगी। और चलिए ठीक है, चाय भी रख दी थी बनने के लिए, ऑलमोस्ट बन गई होगी, काढ़ा बन जाएगी, तो चाय पी लेते हैं और देखते हैं डिनर पे आज क्या बनाते हैं। डिनर पे नॉर्मल दाल चावल, सिंपल खाना नहीं खाना है, कुछ डिफरेंट बनाएंगे। तो सोचते क्या डिफरेंट बनाते हैं, तो पहले तो चाय ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ बन रही है हमारी चाय, और चाय के साथ ही हम मैं करूँगी इस वीडियो को क्लोज़। और मैं मिलूँगी फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक भी करिएगा, और अगर तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन के साथ, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और चलिए हम लोग करते हैं अपनी चाय को इन्जॉय, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।